हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो अगेन वो अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का एक सॉल्यूशन है डीके गोयल का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अलॉन्ग विद दिस एजुकेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे और कहीं ना कहीं आपको आगे हेल्प करेंगे। सो फटाफट से बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था क्लोथ का 1 अप्रैल 2022 को, और यहाँ पर जो कैपिटल थी इनिशियली वो थी 3 लाख रुपये। उसके बाद 31 मार्च 2023 को, यानी जस्ट एक साल बाद जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है, वहाँ पर एसेट्स की जो वर्थ है वो है 5 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ जो है 1 लाख रुपीज़ की हैं, और आपको बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब हम सभी को पता है कि अगर हम बात करें इस चीज़ की, यानी कि कैपिटल की, तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये। सो हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी अकाउंटिंग इक्वेशन में, जो है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी को अगर हम यूज़ करें, हमें अगर कैपिटल चाहिए तो हम क्या करेंगे, कैपिटल निकालने के लिए हम एसेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज़ को। अभी हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, हमें क्लोजिंग कैपिटल मिल रही है। एक्चुअली कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल के थ्रू, मतलब कैपिटल अगर हमें निकालनी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे हैं, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। अब आप देख सकते हैं वैल्यू क्या दी हुई है। आपको वैल्यू दी है एसेट्स की 5 लाख एंड लाइबिलिटीज़ आपको बोली गई है 1 लाख। तो आप क्या करेंगे, 5 लाख की आपकी एसेट्स हैं, इसमें से माइनस कर लीजिए आपकी लाइबिलिटीज़ दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर मिला आपको 4 लाख, यानी आपकी जो कैपिटल है वो आ गई रुपीज़ 4 लाख। ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको बोली गई है क्वेश्चन में, वो बोला गया है कि आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। तो जो कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हम माइनस करें तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी, ठीक है, एज़ पर क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल जो थी आपकी वो थी ₹3 लाख। अब देखिए, जो ईयर में प्रॉफिट हुआ होगा ऑब्वियसली वो कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल को बढ़ाता है, अगर लॉस होता तो ऑब्वियसली कैपिटल रिड्यूस हुई होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को माइनस करेंगे, यानी कि प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू ₹4 लाख माइनस ₹3 लाख। तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज़ ₹1 लाख। और ये सॉल्यूशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ आई बटन पे क्लिक करके भी मिल जाएगा। एंड लास्ट में अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।